एवरीवन, आज हम क्लास 9th की फिक्शन से यूनिट 2 अ डॉग नेम ड्यूक बाय विलियम डी एलिस रीड करेंगे। इन 1953 हूपर वाज अ फेवर्ड यंग मैन। अ बिग जेन्युइन ग्रिन सिविलाइज्ड हिज हाईली कॉम्पिटेटिव नेचर। स्टैंडिंग 6'1" he would play on the university football team. He was already a hard charging zone sales manager for a chemical company. Everything was going for him. 1953 में एक हूपर नेम के यंग मैन थे, वो उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, ग्रिन रहती थी, जो उनका हाईली कॉम्पिटेटिव नेचर दिखाती थी। जब वो खड़े होते थे उनकी हाइट 6'1" होती थी और वो यूनिवर्सिटी की फ़ुटबॉल टीम में खेलते थे। वो एक हार्ड चार्जिंग जोन सेल मैनेजर थे एक केमिकल कंपनी में। उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। देन व्हेन ही वाज ड्राइविंग होम वन ऑटम ट्वाइलाइट अ कार स्पेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट वार्निंग। Hooper was taken to the hospital with a subdural hemorrhage in the motor section of the brain, completely paralyzing his left side. जब वो घर जा रहे थे एक ऑटम ट्वाइलाइट में, ट्वाइलाइट मतलब जब जो सन है वो सेट होने वाला होता है, जो रेडनेस जो आसमान में दिखती है वो ट्वाइलाइट होती है। एक कार स्पीड आउट करती है उनके फ्रंट से बिना कोई वार्निंग दिए। जो हूपर थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि उनको सबड्यूरल हेमरेज हुआ है, उनके जो ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग हुई है उनके ब्रेन के मोटर सेक्शन में, और उसकी वजह से उनका पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाती है। वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ड्रोव मार्सी टू द हॉस्पिटल। हर हस्बैंड कुडंट टॉक, ही कुड ओनली ब्रीथ एंड सी, एंड हिज विजन वॉज डबल। मार्सी फोन्ड अ नेबर आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन अ केनल। जो चक हूपर थे, उनका एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मार्सी उनकी वाइफ को हॉस्पिटल लेके आता है। उनके जो हस्बैंड थे, मार्सी के जो हस्बैंड थे चक हूपर, वो बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ ब्रीथ कर सकते थे और देख सकते थे, और जो उनका विजन था वो डबल हो चुका था, मतलब उन्हें दो दो चीज़ें दिख रही थी। मार्सी ने अपने नेबर को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि ड्यूक को एक केनल में डाल दो। केनल होता है डॉग का घर। ड्यूक को मार्सी और हूपर का पेट था। हूपर रिमेंड ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ। आफ्टर द 5th वीक सम मैन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल एंड टोल्ड हूपर टू टेक अ ईयर ऑफ। दे वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम एट द हेड क्वार्टर्स। जो हूपर थे वो क्रिटिकल रहे, पूरे क्रिटिकल लिस्ट में रहे एक मंथ के लिए, और जब फिफ्थ वीक के बाद उनके ऑफिस से कुछ लोग आते हैं हॉस्पिटल और हूपर को कहते हैं कि आप एक ईयर का ऑफ ले लो, आप एक ईयर कोई भी काम मत करो ऑफिस में, और जब एक ईयर बाद आपकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे, तो वो उनके लिए एक डेस्क जॉब बना देंगे हेड क्वार्टर्स में। About 6 weeks after the accident, the hospital put him in a wheelchair. Every day there was someone working his paralyzed arm and leg, followed by baths, exercise and a wheeled walker. However, Chuck didn't make much headway. जब अराउंड सिक्स वीक्स हो चुके थे उनके एक्सीडेंट के, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको एक व्हील चेयर पर बिठा दिया था, और रोज़ कोई ना कोई आता था उनके पैरालाइज्ड बॉडी, पैरालाइज्ड आर्म और लेग को बात कराने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और उन्हें व्हील चेयर पर घुमाने के लिए। पर फिर भी सम के बाद भी जो चक थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया, उनकी हालत पहले से ठीक नहीं हुई। इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ होम कमिंग वोर ऑफ, चक हिट अ न्यू लो। At the hospital, there had been other injured people, but now each morning Marcy quietly went to work. It was like a gate slamming down. Duke was still in the kennel, and Chuck was alone with his thoughts. March में जो Chuck Hooper थे उन्हें hospital से जाने दिया जाता है, और जो excitement थी उनकी घर आने की वो बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी उनमें low energy थी, तो फिर उनकी excitement कम होती गई। जब हॉस्पिटल में और भी लोग थे जो इंजर्ड थे,
हर मॉर्निंग मार्सी शांति से अपने काम के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो जो डॉग था ड्यूक वो अभी तक कैनल में था, और जो चक हूपर थे वो अपने थॉट्स के साथ अकेले थे। फाइनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक होम। चक सेड ही वॉन्टेड टू बी स्टैंडिंग व्हेन ड्यूक केम इन, सो दे स्टूड हिम अप। ड्यूक्स नेल्स वर लॉन्ग फ्रॉम 4 months कन्फाइनमेंट, एंड व्हेन ही स्पाइड चक ही स्टूड क्विवरिंग लाइक 5,000 volts, देन ही लेट आउट अ बिलो, spun his long nailed wheels and launched himself across 3 meters of air. He was a 23-kilo missile of joy, the hit chuck above the belt causing him to fight to keep his balance. और finally वो decide करते हैं कि Duke को वो अपने घर लाएंगे। चक अपनी वाइफ मार्सी को कहते हैं कि जब ड्यूक आएगा वो खड़े रहना चाहते हैं, मतलब जब ड्यूक आएगा तो वो खड़े होना चाहते हैं। ड्यूक के नेल्स वो बहुत लॉन्ग हो चुके थे 4 मंथ के कन्फाइनमेंट से, कन्फाइनमेंट मतलब एक क्लोज्ड स्पेस में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहना। और जब उसने चक को देखा, चक जब खड़े हुए तो वो बिल्कुल क्विवरिंग कर रहे थे, मतलब वो काँप रहे थे, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, जैसे उनको 5,000 volts लगे हो। देन ही लेट आउट बिलो, स्पन हिज लॉन्ग लेड व्हील्स एंड लॉन्च्ड हिमसेल्फ अक्रॉस 3 meters ऑफ एयर। और फिर बिलो मतलब एक वॉइस में बोलना, एक एंग्री टाइप वॉइस में बोलना। और फिर जो ड्यूक था वो 23 किलो मिसाइल जॉय से मतलब बहुत खुश होके चक के जो बेल्ट, जहाँ पे बेल्ट लगाते हैं उससे जस्ट ऊपर वाले एरिया में जंप करते हैं, और जो चक था वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। Those who saw it said the dog knew instantly. He never jumped on Chuck again. From that moment, he took up a post beside his master's bed round the clock. फिर जिन भी लोगों ने ये चीज़ देखी थी तो वो आराम से समझ गए थे कि जो ड्यूक था वो समझ गया था कि उनके जो मास्टर है चक ऊपर वो ठीक नहीं है, तो फिर उसके बाद वो कभी भी चक के ऊपर नहीं कूदे। उस मोमेंट से, उस टाइम के बाद से जो ड्यूक था वो अपने मास्टर के बेड के साइड में क्लॉक की तरह लेट जाता है, बिल्कुल राउंड करके लेट जाता है। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक, द वंस आयरन मसल्स लैक्ड ऑन द रेंजी फ्रेम सीक्रेटली। मार्सी क्राइड एज शी वॉच द बिग मैन्स ग्रिन फेड अवे, सिवियर फेस लाइन सेट इन लाइक सीमेंट एज चक स्टेयर्ड एट सीलिंग फॉर आवर्स, then out of window, then at Duke. जो दो fellows थे, मतलब जो Duke और Chuck थे, जो Duke था उसकी presence Chuck ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो Duke था वो नीचे था और जो Chuck ऊपर थे वो बेड के ऊपर, तो वो उसे देख नहीं पाते थे। जो the once iron missiles lagged on the Ranji frame, जो उनकी आयरन मसल्स थी, जैसे वो बिल्कुल फिज़िकल, जैसे मतलब वो फिज़िकली अभी ठीक नहीं थे, तो फिर वो रेंजी फ्रेम मतलब टॉल आर्म्स और लेग के साथ लेटे रहते थे। जो मार्सी थी वो रो रही थी ये देख के कि जो बिग मैन थे, मतलब जो चक ऊपर थे, उनकी स्माइल, उनकी ग्रिन फेड हो गई थी, मतलब वो अब स्माइल नहीं करते थे। जो चक था वो सीलिंग की तरफ देखता रहता था घंटों तक, फिर विंडो के बाहर और फिर ड्यूक को। वेन टू फेलोज स्टेयर एट ईच अदर डे इन डे आउट, एंड वन कांट मूव एंड द अदर कांट टॉक, बोर्डम सेट्स इन। ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट फ्रॉम अ मोशनलेस कॉइल ऑन द फ्लोर, ही वुड स्प्रिंग टू हिज फीट Quivering with impatience. जब वो दोनों चक और ड्यूक एक दूसरे की तरफ देखते थे सुबह शाम, वो एक दूसरे की तरफ देखते थे, एक बोल नहीं सकता था और एक मूव नहीं कर सकता था, तो बहुत बोर्डम फैल जाती थी, जो सब बोरिंग सा लगता था। जो ड्यूक था वो फाइनली इतना ऐसे मोशनलेस कॉइल की तरह नहीं पड़ा रह सकता था फ्लोर के ऊपर, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, अपने स्प्रिंग हो जाता है फीट्स के ऊपर और क्विवरिंग करने लग जाता है, मतलब वो थोड़ा
खड़े होके टू लेग्स पे थोड़ा सा कांपने लग जाता है, वो भी इम्पेशियंस के साथ। या रफ, लाई डाउन ड्यूक। फिर जो चक ऊपर थे वो कहते हैं कि ड्यूक नीचे हो जाओ, लाई डाउन। ड्यूक स्टॉक टू द बेड, पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो एंड लिफ्टेड। ही नज्ड एंड निडल्ड एंड स्नॉटेड। जो ड्यूक था स्टॉक मतलब धीरे धीरे से बिना किसी आवाज़ के वो उस बेड उनके बेड की तरफ जाने लगता है, चक ऊपर के बेड की तरफ जाने लगता है। पोक्ड मतलब वो अपनी जो नोज थी उसे चुभाता है। जो चक ऊपर थे वो नज्ड करते हैं, अपनी एल्बो से उसे हटाते हैं, और निडल्ड और उन्हें धक्का, जो ड्यूक था उसे हटाने की कोशिश करते हैं अपने पास से, और जो ड्यूक था वो स्नॉट करता है। गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक। फिर चक ऊपर ड्यूक को कहते हैं जाओ भागो पूरे घर के अराउंड भागो जाके। बट ड्यूक वुडंट, ही वुड लाई डाउन विद अ रिप्रोचफुल आई ऑन ह्यूपर, एंड आ लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन एंड यैप एंड पोक। ही वुडंट लीव बट जस्ट सिट देयर। जो ड्यूक था पर वो उनकी बात नहीं मानता था, और वो नीचे लेट गया रिप्रोचफुल आई ऑन हूपर। जैसे वो जो हूपर थे वो उन्हें ऐसे दिखता था जैसे हूपर ने कोई गलती करी हो। और एक आर बाद फिर वो बाद वापस से बेड की तरफ जाता है और पोक करने लगता है उन्हें, और फिर वो जाता ही नहीं है और वहीं पे बैठा रहता है। फिर इसके नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे।